नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास टेंथ का हिंदी विषय का आज हम पढ़ने वाले हैं कारक, यानी कि हिंदी ग्रामर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कारक। तो दोस्तों, इसमें आपके एक या दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन सभी को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कारक, जब किसी संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषण क्रिया के साथ किया जाता है, उसे कारक कहते हैं। दोस्तों अब देखिए, क्रिया के साथ किया जाता है उसे कारक कहते हैं। अब कारक किस कैसे कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर परिभाषा में उसका सेंस निकला हुआ है। जब किसी संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पद जैसे विशेषण क्रिया के साथ किया जाता है। देखिएगा, अब कारक की जो सिंपल परिभाषा है, यहाँ से मैं आपको इसका सिंपल अर्थ बताता हूँ। तो देखिएगा, किसी भी यानी कार्य को करने वाला, जैसे कोई कार्य कर रहा है यानी कि क्रिया हो रही है, तो उसमें जो भी इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका में निभाता है उसे कारक कहा जाता है। अब कारक के प्रकार, तो देखिएगा कारक के 8 प्रकार होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। दोस्तों अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब कर्ता, देखिएगा यहाँ पे आपको याद करना है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए को, अपादान से पृथक अलग, संबंध का के की रारेरी नानेनी हो गया किसी भी, अधिकरण में पेपर और संबोधन है और। अब ये जो आपको 8 याद है, ये तो हम पहले से याद है, तो इन सभी के आधार पर आपको कारक पहचानना है। जैसे कर्ता कारक हम लेते हैं, पहले क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता में ने की विभक्ति होती है दोस्तों, ने की विभक्ति। यहाँ पर कर्ता के कारक में किसी में भी ने की विभक्ति आती है, जैसे कि अभिषेक ने पत्र लिखा, राम ने खाना खाया, कोई भी वाक्य ले सकते हैं जिसमें भी ने आए, जैसे कर्ता ये हो गया। अब कर्ता के बाद ने की ध्वनि आ रही है, यानी कि जो ने लिखा आ रहा है, अब ने है तो कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। अब इस प्रकार से आपको देखने, अब आगे हम लेते हैं कर्ता ने कर्म कारक। अब देखिए कर्म कारक हो जाएगा, वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। अब कर्म कारक की विभक्ति क्या है, कर्ता ने कर्म को हो जाएगी। जैसे कि अब यहाँ पर क्रिया का फल पड़ रहा है, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर को आ रहा है, तो को जिसमें आता है क्या कहलाता है, कर्म कारक। आगे लेते हैं करण कारक, वाक्य में कर्ता जिस माध्यम से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसमें ध्वनि आपको याद रखनी, से ध्वनि आती है, जैसे मैं पैर से लिखता हूँ, मैं क्रिकेट से, मैं बैट से खेलता हूँ, ठीक है, मैं पैर से चलता हूँ, मैं मुँह से बोलता हूँ, इस प्रकार से होता है। फिर आते हैं संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ है देना, यानी कि संप्रदान का अर्थ क्या है, देना है। मीनाक्षी, जैसे कोई भी चीज़ हमें किसी को दे रहे हैं, कोई भी वस्तु है किसी को दे रहे हैं, तो हम होगा जैसे मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी, तो यहाँ पर देने के अर्थ निकल रहा है। तो किसी में कोई चीज़ वस्तु दे रहे हैं तो उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। और यहाँ पर अगला है अपादान कारक, यह कारक अलग अलग होने का भाव बताता है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है तो ये कार अलग कोई चीज़ हट रही, जैसे पेड़ है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, अब इस पेड़ से यहाँ पर कोई वस्तु यानी कि चीज़ है, जैसे यहाँ से पत्ता है इसका, यहाँ से पत्ता गिर रहा है तो अलग हो रहा है, तो अलग जब भी किसी में भी अलग हो। डाउट नेट पर होगा अब सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया, बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचकर उसे सबमिट करो और 3 सेकेंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट IT जेई मेंस एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड कीजिए डाउट नेट एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अलग के सेंस में हम निकालते हैं, ये हमारा हो जाएगा कौन सा कारक, अपादान कारक। संबंध कारक की बात करते हैं, वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा का सर्वनाम से संबंध हो वह संबंध कारक लिखना है। अब परिभाषा तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बाकी आप परिभाषा याद कर सकते हो। ज़्यादातर यही पूछा जाता है, आपको एक सेंटेंस देते हैं, उसी वाक्य में आपको कारक बताना है, विशेषण बतानी है। जैसे अजय की पुस्तक, अब देखिए किसमें भी संबंध का के की, तो यहाँ पर संबंध का के की मतलब कि आपको का आना चाहिए, रा रेरी आनी चाहिए। जैसे अजय की पुस्तक, तो अजय की पुस्तक गम गई, ठीक है, ये आपका गुम गई आपको हो जाएगा। फिर आता है अधिकरण कारक, विभक्ति चिन्ह में मैं पेपर हो, जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मैं आ रहा है,
मैकास मतलब यानी अर्थ निकल रहा है, तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं यानी कि वह घर में खेल रहा है। तो जिसमें भी मैं पेपर है जैसे कि पे से आप निकाल सकते हो, तो इस प्रकार से आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। फिर आते हैं संबोधन कारक। विभक्ति चिन्ह क्या होना चाहिए? ये हो अरे, जैसे हे प्रभु, रक्षा करो, अरे मोहन, यहाँ आओ, इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा संबोधन कारक। दोस्तों आज हमने राजस्थान बोर्ड 10वीं कक्षा का हिंदी विषय के अंदर जो का कारक है उसके टॉपिक को क्लियर कर लिया है। और भी हमने जैसे सामाजिक की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना चुके हैं, सामाजिक हो गए, विज्ञान का टॉपिक भी जल्दी स्टार्ट होगा, बाकी सभी के नोट्स लेके आ रहे हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, और इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।